चुके हैं, तो पहुंच चुके हैं भैया झंडे वाला मंदिर। हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज है सैटरडे, आज और आज भी छुट्टी है मेरी, कल भी छुट्टी है, तो दोनों मतलब वीकेंड मेरा ऑफ रहेगा इस बार। कितना आराम मिलता है, आराम से उठा मैं 10 बजे और अब नाश्ता करने का टाइम हुआ मेरा। हल्की फुल्की बारिश भी हो रही है अभी, अभी तो बंद है और आज लग रहा है बारिश होगी दिल्ली में, तो चलिए नाश्ता पानी करते हैं। फिर मेरा चीज़ ब्रेड, वैसे ज़्यादा चीज़ खाना अच्छा नहीं है, कभी कभी नाश्ते में तो खा ही सकते हैं चाय के साथ। तो लंच टाइम हो गया, लंच वंच करते हैं, उसके बाद सोच रहा हूँ थोड़ा बाहर निकलने। वैसे बारिश हो रही है तो बाहर जाने का मतलब है नहीं, पर जैसे कि बंद हो चुकी है, थोड़ा बहुत धीमी है, तो बाहर निकल सकते हैं। तो देखिए आज कहाँ चलते हैं, पहले लंच करते हैं। लंच में आलू बीन की सब्ज़ी, चावल और रोटी। तो हेलो फ्रेंड्स, आज सैटरडे है और आज हम लोग जा रहे हैं झंडे वालान। तो झंडे वालान मंदिर, मतलब झंडे वालान मेट्रो स्टेशन के जस्ट बगल में हनुमान जी का मंदिर है, तो बहुत लोग कंफ्यूजन में उसे झंडे वालान का मंदिर देते हैं। अरे एक मिनट, बट झंडे वालान मंदिर वहाँ से थोड़ा दूर है, तो आज हम मैं भी अभी तक कभी नहीं गया हूँ वहाँ पे। एक बार हनुमान मंदिर तो गया हूँ, पर वहाँ चलते हैं। तो झंडे वालान मंदिर जा रहा हूँ, उसके बाद हनुमान जी के दर्शन करके, क्योंकि शनिवार है, हनुमान जी के दर्शन करना अच्छा होता है, वापस आएंगे फिर। हाँ चलो, पैदल ही चल रहे हैं झंडे वालान। टर्न राइट, यहाँ पे है भैरव मंदिर, देखिए पैदल ही चल रहे हैं हम लोग। अभी तक 1 किलोमीटर लगभग दिखा रहा था, लगभग 1 किलोमीटर आ गए हैं और मंदिर बस पहुंचने ही वाले हैं। ठीक है, तो पहुंच चुके हैं भैया झंडे वालान मंदिर। यार ये तो बड़ा फाइनली झंडे वालान के अंदर। झंडे वाला माता के दर्शन करने और दर्शन हो चुका है, काफ़ी बड़ा मंदिर है और भीड़ भी कम है। पहली बार मैं आया हूँ जब से दिल्ली में रह रहा हूँ, तो चलते हैं हनुमान जी के दर्शन करेंगे, क्योंकि है झंडे वाला मंदिर के पास ही मंदिर है, और उसके बाद वापस हो जाएंगे, क्योंकि अभी 15 मिनट लगा आने में, यहाँ पर रास्ता पता नहीं था, तो मैं अब देख के आया हूँ। चलिए, बहुत ही अच्छा आनंद के अनुभव है। आने का रास्ता, अब हम चल रहे हैं बाहर। झंडे वाला मेट्रो स्टेशन से आप पैदल आ जाओ और चाहे ही रिक्शा पे आओ, 10-15 मिनट ही लगना है यहाँ पे आने में। मेट्रो स्टेशन है, यहाँ से आपको एग्जिट करना है इस रास्ते से, और ये रास्ता सीधा ऐसे आपको जाना है, इधर से एंट्री करके निकल जाना, सीधा रोड पे पहुँच जाओगे, थोड़ी दूर चल के झंडे वाला, मतलब आधा किलोमीटर होगा यहाँ से। पर मुझे रास्ता समझ में नहीं आया था इधर से, तो मैं दूसरी तरफ से गया 1 किलोमीटर चल के, तो अब पता है। लेकिन अब चलना है हमें हनुमान जी की मूर्ति के पास। डर लग रहा है क्या? ए चिकलू डर रहे हैं। चिकलू हम ऐसे चल रहे हैं, हम लोग
9:30 बज रहे हैं, हमारी वापसी हो गई है। अब मेट्रो से ही चलेंगे क्योंकि 9:30 बज गए हैं, जल्दी घर पहुँचना है, खाना पीना भी बनाना होगा अभी। तो मेट्रो स्टेशन बगल में ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर प्लान बना के आइए, झंडे वाला माता देवी के दर्शन करिए और सिद्ध हनुमान पीठ के दर्शन करिए और बगल में शनि मंदिर है वहाँ भी दर्शन करिए। तो मेट्रो जा चुकी है हमारे पहुँचने ही, वेट करना पड़ेगा 4 मिनट, दिखा रहा है यहाँ पे द्वारका। मेट्रो स्टेशन उतर गए, अब चलेंगे पैदल उतर। फाइनली 10:30 बजे घर पहुँच चुके हैं हम लोग, अब खाना पीना खाएंगे और सोएंगे। इनको लेके चल के भाई हालत ख़राब हो जाती है। कोई नहीं, तो आज मन यही था, शनिवार था, हमने कहा चलो हनुमान जी के और शनिदेव के दर्शन कर लेते हैं। तो हम लोग पहले गए झंडे वाला और वहाँ झंडे वाला माता देवी के यहाँ दर्शन गए और फिर वहाँ से लौटे तो सिद्ध पीठ है हनुमान जी की, 108 फीट की लंबी मूर्ति है। फिल्मों में सीरियल्स में जब भी दिल्ली का जिक्र आता है तो वही मूर्ति आपने देखी होगी। तो हम वहाँ गए, उस मंदिर में दर्शन किया, बगल में शनिदेव जी का भी मंदिर है, वहाँ भी दर्शन कर लिया, तेल भी चढ़ा दिया एंड फाइनली अभी वापस आए हैं। 10:30 बजे घर भी पहुँच गए हैं, 7 बजे निकले थे घर से, ट्रैवल भी हो गई और ठीक है। तो अब चलते हैं भाई, खा पी के सोएंगे, कल संडे है, कल भी रेस्ट करना है, वैसे कल का कल दिखाएंगे।